हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस, राइट। तो यहाँ पर समझते हैं इस बात को कि लीनियर जो इन इक्वेशंस हैं वहाँ पर हम जो सॉल्यूशंस निकालते हैं उसको ग्राफिकली भी प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ग्राफिकली क्या प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें इसकी समझ लेते हैं कि ग्राफिकल जब बात करते हैं तो ग्राफ शीट की बात होती है, और जब ग्राफ की बात करते हैं तो आपको सीधा दिमाग में एक चीज़ सेट होती है कि कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का रोल प्ले होने वाला है। इस पर्टिकुलर सिस्टम को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब कार्टेशियन प्लेन का मतलब ये है कि दिस कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर वही बात कही है कि लाइन डिवाइड्स द कार्टेशियन प्लेन इन टू पार्ट्स। अगर कोई भी लाइन होगी, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, वर्टिकल लाइन हो, या यू नो इट कैन बी अ स्लांटिंग लाइन, एनी टाइप ऑफ लाइन, इट ऑलवेज डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन इन टू पार्ट्स। क्या क्या बात कहना चाह रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर लाइन की बात कर रहा हूँ। जब कोई मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो आई विल गेट दिस पर्टिकुलर लाइन, राइट। तो ये जो लाइन है इस पूरे कार्टेशियन सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अगर मैं इसको सेकेंड बोल देता हूँ और इसको फर्स्ट बोल देता हूँ तो ये फर्स्ट प्लेन माना जाएगा और ये सेकेंड प्लेन, ठीक है। उसके लिए भी हमने कुछ कंडीशंस लगा दी हैं कि अगर वर्टिकल लाइन डिवाइड करती है कार्टेशियन सिस्टम को, सपोज मैं ले लेता हूँ एक वर्टिकल लाइन है, यानी वर्टिकल लाइन डिवाइड करेगी तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा लेफ्ट हाफ प्लेन। लेफ्ट हाफ प्लेन मतलब ये पूरा सिस्टम या जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस कैटेगरी में जाएंगे, एंड दिस विल बी द राइट हाफ प्लेन, बिकॉज जो वर्टिकल लाइन होगी वो हमेशा इस लाइन को लेफ्ट हाफ और राइट हाफ प्लेन में डिवाइड करेगी। अब हम बात करते हैं, अगर मैं लेता हूँ कोई स्लांटिंग लाइन, टेढ़ी लाइन। अब टेढ़ी लाइन क्या करेगी, इस पर्टिकुलर प्लेन को डिवाइड अगेन टू पार्ट्स में करेगी, बट हमने उसके नेम चेंज किए हैं, इसको बोलते हैं लोअर हाफ प्लेन, इट इज कॉल्ड अपर हाफ प्लेन। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम क्यों कर रहे हैं इस काम को, हम अपर हाफ और लोअर हाफ का हमारा यूज़ क्या है। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर मैं मुझे सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं तो सॉल्यूशन लीनियर इनइक्वालिटी में एक तो सॉल्यूशन मिलने वाला है नहीं, राइट। एक या दो जितने भी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं वहाँ पर हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं, तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कहाँ कैटेगराइज कर किए जाएंगे, कहाँ प्लेस किए जाएंगे ग्राफ के अंदर, हम वो बात करने जा रहे हैं। एक काम करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। अगर मैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की बात करता हूँ, इक्वेशंस नॉट इन इक्वेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वेशंस। तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन आपने देखा होगा जनरल जो फॉर्म आती है वो ये आती है, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सॉरी इक्वल टू सी। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं ए एंड बी कॉन्स्टेंट है, राइट। और एक्स और वाई की वैल्यू हम क्या करते हुए आए हैं, हम हमेशा एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते हुए आए थे और उसके बेसिस पर हमें वैल्यू मिलती चली जाती थी, राइट, जो हम कोऑर्डिनेट निकालते थे। ये हम करते थे प्लॉटिंग में, जब हम इस पर्टिकुलर लाइन को प्लॉट करते थे तो हमें क्या मिलता था, एक लाइन मिल जाती थी ग्राफ के अंदर। और सॉल्यूशंस कहाँ एग्जिस्ट करते थे, सॉल्यूशंस एक पर्टिकुलर लाइन के लिए वो एग्जिस्ट करते थे लाइन पर ही, मतलब यहाँ पर जितने भी पॉइंट होंगे वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते थे, जो 10th क्लास की बात कर रहे हैं। तो 10th क्लास में हमने यही सीखा था कि जितने भी पॉइंट इस लाइन पर लाई करेंगे वो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, राइट। बट अभी तो केस चेंज हो गया, केस क्या चेंज हुआ कि हमारे पास इक्वालिटी तो है ही नहीं, या तो वो लेस देन हो सकता है या वो ग्रेटर देन हो सकता है। तो इट मींस जब लेस देन और ग्रेटर देन हो गया तो अब जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पर लाई कर रहे हैं वो इन दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कभी नहीं करेंगे। तो इट मींस अब कौन सी चीज़ है जो सेटिस्फाई करने वाली है, मींस इस लाइन को छोड़कर जितने भी पॉइंट इस कार्टेशियन प्लेन पर लाई करते हैं उनमें से अब कोई सॉल्यूशंस मिलने वाला है। अब वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा इस लाइन ने इस पर्टिकुलर कार्टेशियन प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, करेक्ट, वन इज फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। अब इट मींस कि या तो वो सेकेंड हाफ के पॉइंट्स माने जाएंगे या वो फर्स्ट हाफ के पॉइंट्स होंगे, क्योंकि लाइन पर तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इट मींस अब हमें यही चेक करना है, जो इनइक्वालिटी का जो चैप्टर है जिसमें हम ग्राफिकल सॉल्यूशंस करने वाले हैं वहाँ पर हम यही करने वाले हैं कि हमें वो हाफ सेलेक्ट करना है, विच हाफ इज करेक्ट, विच हाफ विल गिव यू द सॉल्यूशंस, सेट ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही डिसाइड करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में।
ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि वॉट इज द राइट प्रोसीजर। नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव टेकन 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है, देखिए जब भी आपके सामने इस तरह की इन इक्वेशंस मिलेंगी, आप सबसे पहले आपका काम यही है कि आप इसको इक्वेशन ही मान के चलें कि ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 ही है, क्योंकि ये सपोज करने के बाद आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा फर्स्ट टारगेट तो 10th का ही सिस्टम फॉलो करना है। ठीक है, जो हम लाइन इक्वेशन लाइन ड्रॉ करते थे ग्राफ में वो तो हमें करनी ही है, पहला तो स्टेप ही वही है। तो सबसे पहले हमारा काम यही है, अगर मैं इसके बॉक्स जो आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि जो हम करते थे x और y कुछ इस तरह से, x की वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे तो y आपको 2 देने मिलने वाला है, इसको आप 0 पुट कर दीजिए ये 3 मिलने वाला है। तो इट मीन्स आपका पहला पॉइंट हो गया 0 2, मैं यहाँ मान लेता हूँ, एंड 0 2 एंड 3 0 मैं यहाँ मान लेता हूँ, 3 0 0 2 0 2 यहाँ ले लेते हैं, और ये एक लाइन जो आपको मिल गई। ठीक है, अब हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन मिल गई हमें। अब मैं यहाँ पर देखिए डिसाइड करने वाला हूँ कि मुझे एक्चुअली में इक्वलिटी की अगर बात करता हूँ, दो स्टेप्स हैं यहाँ पर, वो लेस देन भी है और इक्वल भी है। इक्वल है तो हमारे पास पता लग गया कि एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन विल सेटिस्फाई इक्वलिटी, अगर इक्वलिटी की बात करते हैं कि कुछ भी पुट करो जो इस लाइन पर पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं ये हमेशा इक्वल तो देंगे ही देंगे, ये तो हम टेंथ से करते हुए हैं। अब दूसरा हमें लेस देन के लिए बात करनी है, लेस देन के लिए कौन सा पॉइंट डिसाइड करेगा कि हमें नीचे जाना है या ऊपर वाले पॉइंट लेने हैं। अब उसके लिए देखिए सबसे पहले हम क्या काम कर सकते हैं, आपको पता है कि 3 0 है करेक्ट, अब यहाँ से 4 0 भी आएगा कहीं ना कहीं, अब वो 4 0 आपको दिख रहा है कि लाइन के जस्ट ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे पहले इसमें 4 0 पुट करके देख लेते हैं, एक पॉइंट एनी पॉइंट जो आपको जिसमें आपको ये ट्रस्ट हो रहा है कि वो लाइन के ऊपर है और एक लाइन के नीचे है। ठीक है, आपको चेक करना है कि अगर उसने सेटिस्फाई कर दिया इस इक्वेशन को तो इट मीन्स अपर वाला जो रीजन है, ये वाला एरिया अपर वाला, ये हमारे लिए काम का है और नीचे वाला काम का नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर डिसाइड करते हैं, अगर मैंने 4 0 पॉइंट लिया तो 2 × 4 प्लस 3 × 0 कितना आ जाता है 8। अब 8 इज लेस देन 6 और नॉट, नो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इट मीन्स इससे मैं इस लाइन के जितने भी ऊपर पॉइंट्स होंगे वो कभी भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कभी नहीं करेंगे, क्योंकि लेस देन 6 कभी आएगा ही नहीं, हमेशा ग्रेटर देन 6 आएगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नीचे वाले पॉइंट देखने हैं, हम 0 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, 0 0 0 0 तो हम कर देते हैं 2 × 0 प्लस 3 × 0 और हमें चेक करना है, तो 0 < 6 बिल्कुल होता है। उसके बाद मैं सपोज बोलता हूँ कि नहीं सर मैं और कुछ हम डिसाइड कर लेते हैं, माइनस का भी डिसाइड कर सकते हैं, -1 -1 मैं -1 -1 ले लेता हूँ, -1 देख लेते हैं इसमें, 2 × -1 3 × -1 -2 -3 -5 -5 < 6 बिल्कुल है। तो इस समय क्या पता लगा कि लोअर रीजन काम कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे और यहाँ से इसको ऐसे हाईलाइट कर दिया जाएगा लाइक लोअर हाफ, राइट, लोअर हाफ रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी। तो ये हमने डिसाइड किया, और ऑल द पॉइंट्स विच आर ऑन द लाइन ऑल्सो वो भी हमें लेने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ इक्वालिटी है, अगर ये इक्वालिटी नहीं होती तो फिर हमें नीचे के पॉइंट्स ही लेने पड़ते हैं, बट इक्वालिटी है तो इट मीन्स इस लाइन के सारे पॉइंट एंड बिलो दिस लाइन सभी पॉइंट्स वो इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आप रीजन को ऐसे स्ट्रेट करके दिखा देंगे। ओके, नाउ दिस वन इसमें भी देख लेते हैं, ये मैं आपको एक और कनेक्शन देने वाला हूँ, सबसे पहले इसको एक बार डिसाइड कर लेते हैं क्या मिलने वाला है, देन वी विल फाइंड अ यू नो वेरी 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 स्पेसिफिक रिजल्ट क्या मिलने वाला है। जैसे 2x माइनस वाई मैं इक्वल टू 1 सपोज कर लेता हूँ, ओके एक्स एंड वाई, एक्स का वैल्यू 0 तो वाई कितना 1, ओके वाई 0 तो एक्स हाफ बिल्कुल आ गया करेक्ट। ओके, जब आपने एक्स 0 पुट किया तो वाई का वैल्यू -1 आएगा, सॉरी है ना -1, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा पॉइंट को। अब देखते हैं 0 - 1 0 और -1 मतलब क्या, यहाँ से पास हो रहा है लाइन, एंड हाफ 0
तो मैं हाफ यहाँ ले लेता हूँ, हाफ कोमा ज़ीरो, तो लाइन कुछ इस तरह से पास हो रही है, राइट। ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब देखने वाला है, इसमें इक्वलिटी है तो इट मीन्स सारे पॉइंट जो इस लाइन पर होंगे वो तो सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बट हमें ये चेक करना है कि हमें इधर जाना है या ऊपर जाना है। अब देखिए यहाँ पर केस क्या बनने वाला है। सबसे पहले पॉइंट डिसाइड करते हैं। मैं सपोज मैं टू ले लेता हूँ, टू ज़ीरो। कोशिश करें आप एक्सिस वाले पॉइंट ले लें, ज़्यादा बेटर है। टू ज़ीरो आपने लिया, टू ज़ीरो यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। टू इंटू टू, एक्स की जगह मैं टू पुट करूँगा और वाई की जगह पर ज़ीरो पुट कर देता हूँ, तो आता है फोर। फोर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वन, बिल्कुल है, ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू तो नहीं है ना। तो इट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब क्या, लोअर रीजन काम करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा यहाँ पर कौन सा रीजन काम कर रहा था, यहाँ पर भी लोअर काम कर रहा था। इनइक्वलिटी कैसी थी, लेस देन वाली, यहाँ पर कैसी है, ग्रेटर देन वाली, तो भी नीचे काम कर रहा है। तो इट मीन्स कैसे डिसाइड हो, ओनली बाय सीइंग द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन को आपने देखा और आप कैसे डिसाइड करोगे कि हम बिना पुट करे वैल्यू को, हाउ कैन यू डिसाइड कि वो लोअर रीजन मिलने वाला है या अपर रीजन मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये इक्वलिटी तो बिल्कुल डिसाइड करेगी, वो तो हम करेंगे ही बात। दूसरी बात ये है, अगर ये लेस देन है, ठीक है, लेस देन है, और साथ में हमें वाई का कोफिशियंट और चेक करना है। वाई का कोफिशियंट यहाँ पर कैसा है, कोफिशियंट ऑफ वाई ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है और लेस देन है, लेस देन का सिंबल बना हुआ है, तो हमेशा लोअर रीजन मिलेगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। और अगर कोफिशियंट ऑफ वाई नेगेटिव है और ये है ग्रेटर वाला सिंबल उधर, राइट, ये वाला सिंबल, तो यहां पर भी हमेशा लोअर रीजन ही मिलेगा, ठीक है। देखिए यहां लेस के लिए लेस मींस लोअर, बट ग्रेटर मींस यहां पर ऑपोजिट ऑफ ग्रेटर चलता है रीजन, क्योंकि यहां पर ही नेगेटिविटी मिली आपको। इस नेगेटिव ने क्या करा, इस इक्वलिटी को जो ग्रेटर देन थी, इसका इफेक्ट ग्राफ पर उल्टा कर दिया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं समझने के लिए, तो जब भी आपको इनइक्वलिटी मिलेगी तो आपको बी का कोफिशियंट चेक करना है, ठीक है। अगर वो नेगेटिव है तो जो ग्राफ के सॉल्यूशंस हैं वो डायरेक्शंस में उल्टे डायरेक्शन में बिहेव करेंगे। देखिए मैं अब यहाँ पर एक जनरल एक रिजल्ट लिखने वाला हूँ, उसको प्लीज़ नोट डाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, ठीक है, और बी मैं अभी पॉजिटिव ही लेके चल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा बी इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर मुझे कहाँ मिलने वाला है, लोअर रीजन, वो सॉरी अपर रीजन, अपर हाफ, राइट। अभी मैं इक्वालिटी को छोड़ देता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी है लोअर हाफ। अब लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने माइनस ले लिया स्टूडेंट्स, और ये ग्रेटर ही दिखाया। अब ग्रेटर ने यहाँ पर अपर लिया, ग्रेटर है तो अपर ही चल रहा है, ग्रेटर ग्रेटर, लोअर लोअर, बट यहाँ ग्रेटर, लेकिन माइनस ने क्या करा, ग्रेटर आया, माइनस ने बोला नहीं उल्टा कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा लोअर हाफ, ए एक्स माइनस बी वाई लेस देन सी लेस, बट ये क्या कहेगा, अपर ले जाओ, अपर हाफ। ये कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस देखने को मिल जाते हैं, उसके बेसिस पर हमने ये रिजल्ट डिसाइड कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके थ्रू आप डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर ये समझ सकते हो कि लोअर हाफ जाने वाला है एज अ सोल्यूशन या अपर हाफ जाने वाला है। नाउ आई एम कमिंग टू द एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, एंड डेफिनेटली इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। नाउ स्टूडेंट्स ये है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 का। मैंने आपको बताया सबसे पहले आप यही कोशिश करें कि इसको नॉर्मली आप सपोज करके चलें, एक्स और वाई, एक्स का वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये 5 आएगा, वाई ज़ीरो पुट करेंगे तो भी 5 आएगा। तो हमें ये पता लगा कि वो 5 0 और 0 5 से होता हुआ निकलेगा, और आप क्वेश्चन देख के पता लग गया कि ये वाई पॉजिटिव है, देखिए बी इज़ पॉजिटिव लेस है, तो कौन सा रीज़न आएगा, लोअर वाला, तो मैं इसको स्ट्रेट कर दूँगा। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप 0 0 पुट करके देख लीजिए, वहाँ पर 0 0 लेस, आप चाहे तो 1 1 पुट करके देख लीजिए,
वन वन पर भी काम कर रहे हैं। तो और मैं सपोज मैं कहता हूँ कि नहीं कुछ हम चेक करते हैं, सिक्स जीरो क्या काम करेगा, देखिए सेटिस्फाई होना बंद हो गया। तो इट मीन्स हमारा ये इजी ऑब्जर्वेशन मिला कि लेस है और बी पॉजिटिव है तो लेस की तरफ ही जाएगा, नीचे की तरफ बॉटम। इस केस में देखिए पॉजिटिव है ग्रेटर है। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्स की वैल्यू आप जीरो डिसाइड कर लीजिए, सिक्स आ गया। वाई जीरो डिसाइड कर लीजिए, थ्री आ गया। तो आपको पता लगा जीरो सिक्स, सो जीरो सिक्स यहाँ ले लेते हैं, थ्री जीरो यहाँ ले लेते हैं, कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। इक्वलिटी भी है तो इट मीन्स लाइन के सॉल्यूशंस भी आपको लेने पड़ेंगे, तो इट मीन लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं वो इस इक्वलिटी को इन इक्वलिटी को सेटिस्फाई करने वाले हैं। अब इस पर आते हैं ग्रेटर देन सिक्स के लिए। ग्रेटर देन सिक्स के लिए कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। क्यों जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये ग्रेटर है, पॉजिटिव एंड ग्रेटर। नेगेटिव होता तो ये इसके ग्रेटर को लेस कर देता और डायरेक्शन हो जाती उल्टी। अब इसमें आप चेक भी कर सकते हो, जैसे थ्री है, थ्री के पास थ्री वन भी चेक कर लो आप, थ्री वन थ्री टू जस सिक्स एंड प्लस वन सेवन, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। नीचे आएंगे जीरो जीरो कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, उससे छोटे और कोई पॉइंट ले लोगे कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट। तो आप क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे अपर रीजन। क्वेश्चंस आर वेरी इजी सिंपल। इस वाले क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या करें, 2x माइनस वाई आपको पता है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास बात नहीं होती। इसको इधर लेके आगे, सॉरी ऐसे ले लेते हैं, करेक्ट। अब हमारा काम क्या, बिल्कुल सेम पुराना फंडा, एक्स वाई, एक्स को ज़ीरो ले लो, वाई माइनस एट, वाई ज़ीरो ले लो और एक्स फोर, क्या मिलता है, ज़ीरो माइनस एट, मतलब यहाँ से कहीं से पास होगा, फोर ज़ीरो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये इक्वेशन आ गई। अब हमें कहाँ जाना है, लोअर जाएंगे अपर जाएंगे, ये भी प्लस है, ठीक है, ये सॉरी माइनस है, आप देखें तो माइनस का मतलब, और ये लेस के लिए तरफ बोल रहा है, लेकिन लेस हम जा नहीं सकते तो क्या करें, उल्टा हो जाएगा इस माइनस की वजह से, अपर रीजन आएगा। क्यों आएगा आप चेक कर सकते हो, ज़ीरो ज़ीरो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ज़ीरो प्लस ज़ीरो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। और कोई ले लीजिए आप इधर की साइड आ जाइए, ये कौन सा पॉइंट था हमारा, फोर ज़ीरो, आप फाइव ज़ीरो लेके देखिए, फाइव ज़ीरो सेटिस्फाई करेगा, फाइव टू ज़ा टेन माइनस ज़ीरो, तो ये भी ये गड़बड़ हो गया इसमें। तो इट मीन्स कि आपको क्लियर हुआ कि ये बी नेगेटिव था, ये लेस था, तो ये बॉटम की तरफ जाना चाहिए था, बट इस माइनस ने इसको अपर हाफ की तरफ लेके चला गया, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में आपको यही समझना है, ऑब्जर्वेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है ये वाला, ये बहुत यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि सेटिस्फाई नहीं करेगा, बट यस आप पॉइंट को पुट करके सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन नंबर फाइव में देखें, अच्छा कोशिश जरूर करें आपकी एक्स हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिले, अगर नहीं है तो माइनस से पूरी इन इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि एक्स वाला पार्ट प्लस हो जाए, जैसे इस वाले केस में, क्योंकि हमें एक्स को पॉजिटिव ही रखना है। अगर मुझे वो अपना ऑब्जर्वेशन को सही तरीके से पुट करना है तो मुझे एक्स पॉजिटिव ही चाहिए, क्योंकि बी नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा उस वो तो हमारा रिजल्ट देगा ही देगा, बट एक्स के बेसिस पर फिर हम गड़बड़ कर जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमने उसको एज अ स्टैंडर्ड मान लिया है। अब इस केस में आते हैं, इस केस में बड़ा सिंपल सा है, जब आप एक्स और वाई की अगेन डिसाइड करेंगे वैल्यू, तो ज़ीरो मैं डिसाइड करता हूँ टू आ गया, अगर मैं एक्स को ज़ीरो डिसाइड करता हूँ तो ये माइनस टू आ गया, करेक्ट। अब यहाँ पर आते हैं टू ज़ीरो बिल्कुल आ जाता है, ज़ीरो माइनस टू ये आ जाता है, अब आपको पता लग गया कि ये आ गया। अब हमें लोअर हाफ देना है, या ये तो कह रहा है लेस नीचे की तरफ जाओ, बट माइनस कह रहा है उल्टा कर दो उसका, तो कौन सा जाएगा अपर हाफ, बिल्कुल ये आपका एरिया बन गया। आप पॉइंट कोई भी पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो पुट कर कर भी चेक कर सकते हो इस केस में, ओके। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आप कुछ भी पुट करेंगे आपको लेस ही मिलने वाला है। नेक्स्ट में फिर अगेन आप पॉइंट निकाल लेंगे, एक्स और वाई, एक्स का वैल्यू ज़ीरो पुट कर दीजिए आप, वाई माइनस टू मिल जाएगा, वाई ज़ीरो पुट कर दीजिए थ्री मिलेगा। जब आप यहाँ से निकालेंगे ज़ीरो माइनस टू आपको ये मिलेगा, थ्री ज़ीरो मैं यहाँ मान लेता हूँ, ये आ गया आपका, राइट।
अब इस केस में मुझे क्या करना है, ग्रेटर बोल रहा है मुझे अपर जाना चाहिए, बट माइनस कह रहा है नहीं जा सकते, तो बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए, नीचे की तरफ जाए, तो नीचे का रीजन आ गया आपका। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस केस में मैंने आपको बताया सबसे पहले एक्स को पॉजिटिव करना है आपको, माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो मैंने आपको ये भी बताया इक्वलिटी चेंज हो जाती है 6। अब देखिए लेस हो गया। अब इस केस में ये बिल्कुल सेम ये वाला क्वेश्चन बन जाता है। आई थिंक यू कैन डू दिस सम राइट। इसमें स्टूडेंट जरूर ये भी ध्यान रखिएगा, जब आप सोल्यूशन लिखेंगे, यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो लाइन नहीं करेंगे सोल्यूशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि द पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन अ लाइन आर नॉट अ सेट ऑफ सोल्यूशंस, है ना, नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, ये जरूर लिखना पड़ेगा राइट। एक्सक्लूडिंग, या आप ऐसे बोल सकते हो इंक्लूडिंग ऑल द पॉइंट्स ऑन अ लाइन और एक्सक्लूडिंग ऑल द पॉइंट्स ऑन अ लाइन, ये क्योंकि मेंशन करना पड़ेगा इस केस में कि वी विल राइट हेयर अपर सेट ऑफ, ऐसे लिख देते हैं चलिए, सेट ऑफ पॉइंट्स पॉइंट्स लाई इन द अपर हाफ प्लेन एक्सक्लूडिंग पॉइंट्स ऑन लाइन, सिंपल, और आपने ग्राफ में मेंशन कर दिया। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थे, एक हम दो क्वेश्चंस और लेने वाले हैं, 9th एंड 10th। वाई इज लेस देन -2 एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3। देखिए वाई लेस देन -2, सबसे पहले मैंने वाई इज इक्वल टू -2 डिसाइड किया, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया कि इसको अगर मैं एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करें तो ये 0x + 1y < -2, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लें तो x + 0y > -3, करेक्ट। तो इट मीन्स इसमें y मिसिंग हो गया, इसमें x मिसिंग हो गया। चलिए अब इसमें बात करते हैं y लेस देन -2 मुझे कब मिलेगा। ऑब्वियस ही बात है, लेस देन अगर मुझे -2 चाहिए तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे वाले रीजन में जाना पड़ेगा, येस और नो। क्योंकि जितने भी पॉइंट यहाँ पर होंगे, सपोज मैंने बोला कि ये -2 तो आप डिसाइड कर ही रहे हैं, और मैं यहाँ से 1 ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं जाता हूँ सीधा -3 पर, 1 -3। अब 1 -3 अगर मैं यहाँ पुट करने बैठ जाऊँ तो मुझे सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि 1 -3 में से 1 तो मैं 0 × 1 लिख दूंगा, (1 × -3) पुट करूँगा, तो ये -3 लेस देन -2 बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। तो इट मीन्स मुझे इसके लोअर रीजन में जाना पड़ेगा। और वो कैसे डिसाइड हुआ, आप देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है और y का जो कोफिशेंट है अगर वो पॉजिटिव है तो ये बिल्कुल सही बिहेव करता है, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी कह रही है लेस मतलब लोअर, तो बिल्कुल सही बिहेव होगा। इस केस में क्या है, इस केस में भी वही चीज़ है, वाई का जो कोफिशेंट है वो पॉजिटिव ही मान रहा हूँ, 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 की बात होती है। तो इस केस में x की वैल्यू अगर मैं -3 डिसाइड कर रहा हूँ, ये है, ये 0 0 पॉइंट है, और अगर मैं यहाँ से सपोज 0 0 पॉइंट ही पुट करता हूँ इसके ऊपर, 0 + 0 × 0, तो क्या वो ग्रेटर है -3 से, बिल्कुल है, ठीक है। तो इट मीन्स मुझे इधर जाना पड़ेगा -3 के साथ, राइट। तो मैं इधर वाला रीजन लूँगा और ये सारा रीजन मेरा इस केस में काम करेगा, क्लियर। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट, अगर मैं सपोज ये बोलता कि मैं -1 0 ले लूँ, तो यहाँ पर मुझे -1 × 0 × 0 ग्रेटर देन -3 है, और -1 हमेशा -3 से ग्रेटर ही होता है। तो ये वाला रीजन पूरा इसका सेट ऑफ सॉल्यूशन देगा, एक्सक्लूडिंग द पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन, एक्सक्लूडिंग द पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन। सो ये एक्सरसाइज थी लीनियर इनइक्वालिटी का, जिसमें आपने ग्राफिकल सॉल्यूशन समझे, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या होगा, आपको अगेन दो इक्वेशंस मिलने वाली हैं, ठीक है। अभी हम एक इक्वेशन की बात कर रहे थे, उसमें फिर हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी, और दोनों के जो सेट ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है, कोई अलग अलग बिहेवियर चल रहा होगा। फिर हमें ये चेक करना है कि उनमें कॉमन जो रीज़न मिलेगा वो कॉमन रीज़न क्या आने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा जो पार्ट है वो वही है, एंड वी विल डू इट लेटर ऑन। सो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप प्रैक्टिसिंग दीज सम्स।